देखना मेरे पास दो क्लासेस है, एक है फर्स्ट क्लास, एक है सेकंड क्लास. व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का टॉपिक क्या रहता है, क्या नहीं रहता, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करता, इनहेरिटेंस में क्या क्या रोल रहता है, क्यों यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस. अगर हम यूज़ करते हैं रीयूजिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखना, मेरे पास एक क्लास है, इसमें एक मैथड है void fun. कौन सा मैथड है? void fun. क्या लगा लो? void addition. void addition. क्लियर? void addition लगाया मैंने मैथड. मैं लिखता हूँ int, दो मैथड, दो पैरामीटर्स देता हूँ. ये पैरामीटर्स है, मैं कहता हूँ int टोटल अमाउंट, इंट टोटल अमाउंट कॉमा इंट डिपॉजिट, इंट डिपॉजिट. क्लियर है? एडिशन क्या करता है? टोटल अमाउंट डिपॉजिट. ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूं मैं? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस डिपॉजिट. क्लियर है? ये कौन से मेरे लोकल वेरिएबल है? ये कौन से मेरे लोकल वेरिएबल है? क्लियर है? सेव करता हूं, सेकंड क्लास बनाता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्क्स. ठीक है, अगर ये वाला मेथड मेरी क्लास में बड़ा, कौन सा एडिशन फर्स्ट क्लास में बड़ा हुआ है, अगर मेरे को सेकंड क्लास में यूज करना, अगर मेरे इनहेरिटेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सेम मेथड चाहिए, मैं कॉपी करूंगा और किसमें डाल दूंगा? सेकंड क्लास के अंदर. क्लियर है? यानी कोड को दोबारा लिखना पड़ रहा है, कोड को दोबारा लिखना पड़ रहा है, जिससे कोड बढ़ रहा है. ठीक है, आप कोड को दोबारा ना लिख कर रीयूजिबिलिटी टेक्निक यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने क्लास सेकंड बनाई, सेकेंड. क्लियर है? मैं क्या करता हूं? एक्सटेंड्स फर्स्ट. जैसे ही मैंने एक्सटेंड्स फर्स्ट लिखा, देखना ऑब्जेक्ट किसका बनाता हूं मैं? फर्स्ट क्लास का. फर्स्ट एफ इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, बना लिया सेमी कॉलम. अभी मेरी क्लास में कौन सा मेथड बढ़ा हुआ है? कोई मेथड नहीं बढ़ा हुआ. ठीक है, बट जैसे ही मैं एक्सटेंड कीवर्ड लगाता हूं, ये क्या है मेरी? सुपर क्लास. ये कौन सी है मेरी? सब क्लास. यानी सुपर क्लास में जो भी चीजें पड़ी होंगी वो किसमें आ जाएगी? मेरी सब क्लास में. अब सुपर क्लास में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? एडिशन मेथड. क्लियर है? सुपर क्लास में कौन सा मेथड पड़ा हुआ है मेरे पास? ये किसमें आ जाएगा? सब क्लास में भी मिलना शुरू हो जाएगा. क्लियर है? यानी रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड, यानी आप एक बारी सुपर क्लास में वो चीजें रख दो जो आपकी सब क्लासेस को चाहिए, और आप बार बार वो कोड ना लिखो. ये केसेस कब आएंगे? ये केसेस कब आएंगे देखना. फॉर एग्जाम्पल पहले करके देखता हूं, एफ डॉट एडिशन आ रहा है. क्लियर है? मैंने लिखा 10 कॉमा 20, मैं लगा लो 1000 प्लस 200. इस मेथड की क्या कर देता हूं मैं? रिटर्न टाइप कर देता हूं. रिटर्न टाइप क्या होगी? इंट. इंट मैं रिटर्न करता हूं, रिटर्न क्या? टोटल अमाउंट रिटर्न करेगा ये मेथड. मैं सेव करता हूं, सेव करता हूं, और सेकंड क्लास में रिटर्न टाइप कर रहा है. मैं कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, जो रिटर्न करेगा वही प्रिंट हो जाएगा. कंट्रोल भी. क्लियर है? रिटर्न स्टेटमेंट्स हम किसके अंदर डाल सकते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर डाल सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स. ठीक है, या वेरिएबल के अंदर पकड़ लो, या सीधा का सीधा मेथड की रिटर्न टाइप जैसे आएगी वो प्रिंट हो जाएगी. क्लियर है? मैं सेव करता हूं और रन करता हूं प्रोग्राम. अभी सब्जेक्ट बनाया हमने फर्स्ट का, तो मैं फर्स्ट का मेथड कॉल कर रहा हूं, 3000 आ रहा है. ठीक है, अब देखना सेकंड कौन सी मेरी सब क्लास है. अभी फर्स्ट से ही आ रहा था, हैज ए रिलेशनशिप है ये. अगर मैं करता हूं सेकंड, सेकंड एस इज इक्वल टू न्यू सेकंड, फर्स्ट में तो अवेलेबल है ही, फर्स्ट में तो अवेलेबल है ही, क्योंकि फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में वो बड़ा हुआ इसलिए अवेलेबल है. अब मैं सेकंड में देख रहा हूं, सेकंड में भी अवेलेबल है, कोई एरर नहीं है. अब सेकंड को ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड में कोई मेथड नहीं पड़ा हुआ,
सेकंड के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूं कौन सा नॉन स्टैटिक मेथड विद द एक्सटेंड कीवर्ड मेरे को क्या मिलना शुरू हो गया फर्स्ट क्लास की सारी चीजें मिलनी शुरू होगी क्लियर मैं रन करता हूं आउट आ रही है फर्स्ट के ऑब्जेक्ट से भी आ रही है फर्स्ट के ऑब्जेक्ट से इसलिए आ रही है क्योंकि वो मेथड फर्स्ट में पड़ा हुआ है इसलिए तो आएगी नॉन स्टैटिक मेथड इसलिए ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ रहा है सेकंड में क्यों आ रही है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड देखना पेंट करता हूं मैं मेरे पास कौन सी क्लास है फर्स्ट क्लास है कॉपी कंट्रोल वी क्लियर है सेकंड क्लास कौन सी है सब क्लास ये मेरे पास कौन सी है सब क्लास कॉपी कंट्रोल वी एक्सटेंड किसको किया हुआ है फर्स्ट क्लास को एक्सटेंड किसको किया हुआ है फर्स्ट क्लास को अब फर्स्ट क्लास के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है ये वाला मेथड पड़ा हुआ है कौन सा वाला ये वाला मेथड ये किस में अवेलेबल हो गया सेकंड क्लास में क्लियर है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं री यूजेबिलिटी ये किसमें होती है रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है रीयूजेबिलिटी आपको कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता आप एक्सटेंड कीवर्ड लगाते हो और आपको क्या मिलने लग जाता है सब क्लास में वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती है ठीक है अब क्वेश्चन ये रहता है कि मैं कौन सा कोड सुपर क्लास में लिखूं और कब सुपर क्लास बनाऊं कब मैं सुपर क्लास बनाऊं कौन सा कोड सुपर क्लास के अंदर रखूं देखना जो कोड फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है क्लास बैंक क्लास क्या बैंक ठीक है फॉर एग्जाम्पल आरबीआई क्लास क्या आरबीआई आरबीआई सारे बैंकों की सुपर क्लास है सुपर मतलब सुपर क्लास ही होगी क्योंकि आरबीआई सारे बैंक्स को होल्ड करता है मेरे को पता है मैंने इसमें क्या किया सारे बैंक्स में इंटरेस्ट यूज इंटरेस्ट लेते हैं ना इंटरेस्ट देते हैं वो लोग फॉर एग्जाम्पल मैं वो कोड कहाँ पे रख दूंगा आरबीआई में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंटरेस्ट लिख दिया मैंने दो इंटरेस्ट किस में पड़ेगा टोटल अमाउंट में तो दो पैरामीटर्स लूंगा मैं क्या टोटल अमाउंट इंट टोटल अमाउंट कॉमा इंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये क्या है मेरे पास ये सारे बैंकों को चाहिए ये मेथड और इंटरेस्ट कैसे निकलता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 स्लैश 100 यही होता है किसका होता है ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है देखना यहां पे मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या आएंगे प्रिंसिपल और रेट किस में आएगा फ्लोट रेट कॉमा और टाइम किस में लूंगा मैं डबल में लूंगा 3.5 ईयर्स हो सकता है डबल भी आया पर फ्लोट लूंगा यहां पर फ्लोट टाइम क्लियर है ये मेरे को क्या देगा इज इक्वल टू क्या टोटल इंटरेस्ट क्लियर है ये क्या होगा रिटर्न करता होगा ये रिटर्न टोटल इंटरेस्ट ठीक है रिटर्न टाइप क्या आएगी फ्लोट क्लियर है कहां फ्लोट है
नीचे 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 इस पैरा जब फॉर्मल लिखा आपने फ्लोट क्लियर है। ये मेथड मैंने बना के रख दिया, किसमें रखा, इसको मैं सुपर क्लास बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारे बैंक्स फॉर एग्जांपल अलग अलग बैंक्स सब में इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये किस क्लास को एक्सटेंड करते होंगे? आरबीआई को। किसको एक्सटेंड करते होंगे? एक्सटेंड्स क्लियर है। यानी सुपर क्लास में वो मेथड होंगे जो मेरे कॉमन मेथड होंगे, ठीक है। सुपर क्लास में वो वाले मेथड्स रखूंगा। जब मैं सुपर क्लास बनाने की कोशिश करता हूं या सोचता हूं किस टाइम पे सुपर क्लास बनाऊं, मैं सुपर क्लास उस केस में बनाता हूं जब मेरे पास सब क्लासों में वो कॉमन मेथड है। अभी मैं सुपर क्लास बनाऊंगा उसकी। अब आरबीआई में मैंने कौन सा लिखा, इंटरेस्ट मेथड को क्यों चूज किया? क्यों? क्योंकि पीएनबी में भी इंटरेस्ट लगता है, और एसबीआई में भी इंटरेस्ट मिलता है, एचडीएफसी में भी इंटरेस्ट मिलता है, और आईसीसी में बनता है मिलता है। और कौन से मेथड बना सकता हूं मैं इस केस में, इनहेरिटेंस के केस में? मैं ये क्या एक और मेथड बना सकता हूं जो सब पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल चेक, मैं लिखता हूं वॉइड चेक यूजर अकाउंट। चेक यूजर अकाउंट मतलब उसका अकाउंट उस बैंक में है कि नहीं है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? ये भी सब में आ सकता है, इसलिए मैं किस में रखूंगा इसको, सुपर क्लास के अंदर। यानी कॉमन मेथड जो कॉमन मेथड पूरे हायरार्की में चलेंगे उनमें कॉमन मेथड्स को कहां रखूंगा मैं, सुपर में। क्लियर है? उन चीजों को मैं सुपर क्लास में, वरना इनहेरिटेंस का रोल क्या है? क्लियर है? मैं वही कोड सुपर क्लास में लिखता हूं जो मेरे को बार बार यूज करना है अलग अलग क्लासेस में, उन कोड को कहां रखता हूं मैं, सुपर क्लास में। बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेरे को क्या मिलती है, री यूजेबिलिटी कि आपको दोबारा दोबारा वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक्सटेंड कीवर्ड करो और आपको वो चीजें मिलने लग जाएगी सब क्लास में। यही हुआ ना इनहेरिटेंस, यही फायदा है इनहेरिटेंस का। क्लियर है? समझ आ गई ये चीज? क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, देखना एक चीज देखना, जावा में चेक करता हूं मैं, यहां देखना। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी को कौन सी क्लास पड़ी हुई है, सेकंड क्लास। क्लियर है? सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में कितने मेथड पड़े हुए हैं? अगर मैं फर्स्ट क्लास डिलीट कर दूं, मैं डिलीट कर देता हूं, कर दी मैंने डिलीट, रिफैक्टर करता हूं, डिलीट होगी, खुली हुई है यहां पर, बंद कर देता हूं उसको, डिलीट कर देता हूं, रिफैक्टर कर दी, वार्निंग होगी। क्लियर है? अभी मेरी क्लास एरर आने लगा क्योंकि फर्स्ट क्लास अब है नहीं। अभी मेरी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, किसी को नहीं कर रही ना। यानी मेरी क्लास में कौन सा मेथड है, कोई भी मेथड नहीं है। देखना, मैं लिखता हूं सेकंड एस इज इक्वल टू न्यू सेकंड। क्लियर? मैं लिखता हूं एस डॉट, फंक्शन आ रहे हैं मेरे पास, वो कह रहा है आप इस ऑब्जेक्ट से ये वाले फंक्शन कॉल कर सकते हो, पर ये फंक्शन तो मेरी क्लास में पड़े ही नहीं है। क्लियर है? ये फंक्शंस तो मेरी क्लास में पड़े ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा गेट क्लास नेम, मैं लिखता हूं system.out.println s डॉट गेट क्लास नेम, x करता हूं, कंट्रोल v करता हूं, सेव करता हूं और रन करता हूं, आउटपुट आ रही है, क्लास का नाम आ रहा है, पैकेज का नाम है, क्लास का नाम आ रहा है, पैकेज का नाम आ रहा है। क्या क्लास, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
क्लियर है ये चीजें? बट ये मेथड आ कहां से रहा फिर मेरी क्लास में? हमारी सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेथड आपके क्लास में है आप उसी को कॉल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर सकता हूं एस डॉट एडिशन, एरर देगा. एरर किसका है? कि आपकी क्लास में एडिशन मेथड है नहीं, आप कॉल कैसे कर रहे हो? यानी जो मेथड इस क्लास में पढ़े होंगे उन्हीं को कॉल कर सकते हैं हम, बट गेट क्लास मेथड हमारी क्लास में नहीं पढ़ा हुआ फिर भी कॉल हो रहा है. क्लियर है? जावा में सारी क्लासेस की सुपर क्लास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट क्लास. कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट क्लास सारी क्लासों की सुपर क्लास है, चाहे वो प्रीडिफाइंड क्लासेस है चाहे वो यूजर डिफाइंड है. अगर आपने नहीं लिखा, अगर आपने नहीं लिखा हुआ तब भी आपकी क्लास किस क्लास को एक्सटेंड करती है? ऑब्जेक्ट क्लास को. किसको करती है? ऑब्जेक्ट क्लास को. होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंपाइलर का एक और रोल रहता है, एक रोल ये भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने कोड में क्या नहीं लिखा हुआ? एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास नहीं लिखा हुआ, और कंपाइल करते हो अपने फाइल को, तो कंपाइलर आपकी क्लास के आगे क्या लिख देता है? एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास. क्लियर है? यानी सारी क्लासेस की सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास. देखना हमारे पास दो दो क्लासेस होती हैं. हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है यूजर डिफाइंड क्लासेस जो आप खुद बनाते हो, उनके नाम खुद रखते हो, एक होती है प्री डिफाइंड क्लासेस. क्लियर है? इन सब की सुपर क्लास कौन है जावा में? ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट क्लास सुपर क्लास किस कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास. यानी ऑब्जेक्ट क्लास इज मदर क्लास इन जावा. क्लियर है? यानी सारी क्लासेस को कौन एक्सटेंड करती है? एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास. एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास चाहे प्री डिफाइंड क्लासेस हो चाहे यूजर डिफाइंड क्लासेस हो, उनकी सुपर क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट क्लास. इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? देखना चेक करते हैं, मैं एपीआई खोल रहा हूं, कोर जावा एपीआई. और जावा एपीआई क्लिक करता हूं, देखना लैन पैकेज. लैन पैकेज बाय डिफॉल्ट, देखना अब ऑब्जेक्ट क्लास किसमें है? ऑब्जेक्ट क्लास किसमें है? ऑब्जेक्ट क्लास है इस पैकेज के अंदर, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है. यानी लैन पैकेज भी आपको फ्री में मिलता है किसमें? जावा में. क्लियर है? आप लोग लिखते हो कैसे लिखते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये लिखते हो. क्लियर है? सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? क्लास. सिस्टम क्या है? क्लास है. स्ट्रिंग क्या है? क्लास. ठीक है? और प्री डिफाइंड क्लासेस हैं ये आपके प्रोग्राम में कैसे आ रही है? क्योंकि आपको फ्री में कौन सा पैकेज मिलता है जावा में? लैन पैकेज. तो लैन पैकेज के अंदर क्या पड़ी हुई है? ये क्लासेस पड़ी हुई है. क्लियर है? तो लैन पैकेज आपके आपके प्रोग्राम में क्या इंपोर्ट कर देता है? सिस्टम क्लास आप यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग क्लास कर सकते हो. किस पैकेज में पड़ी हुई है? लैन पैकेज में. तो इस पैकेज से कौन सी क्लासेस आ रही है आपके पास? सिस्टम क्लास कहां से आ रही है? लैन पैकेज से. स्ट्रिंग क्लास कहां से आ रही है? लैन पैकेज से. क्लियर है ये चीज? देखना कोर जावा एपीआई. अगर बात करूं ये इंटरफेसेस है, ये कौन सी क्लासेस? सिस्टम क्लास कहां पर है? इसी के अंदर पड़ी हुई है. क्लियर है? स्ट्रिंग क्लास कहां पड़ी हुई है? इसी में पड़ी हुई है. क्लियर है इतनी चीज?
अब देखना ऑब्जेक्ट क्लास कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास में कौन कौन से मेथड हैं, क्लोन, इक्वल्स, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल टू स्ट्रिंग, वेट वेट वेट, अलग अलग मेथड पढ़े हुए हैं ना, कितने मेथड हैं टोटल 11 मेथड। और जब मैं यहां पे लिखता हूं देखना, अगर मैं एक्सटेंड ऑब्जेक्ट हटा देता हूं, बाय डिफॉल्ट मेरी क्लास किसको एक्सटेंड करेगी, ऑब्जेक्ट क्लास को। मैं लिखता हूं क्या, सेकंड डॉट एस, सेकंड एस इज इक्वल टू न्यू सेकंड, क्लियर है, सेमी कॉलन डालता हूं, एस डॉट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, यानी अगर देखा जाए तो एक्सटेंड इस क्लास को कर रही है, ऑब्जेक्ट क्लास को कर रही है, और इसी के मेथड मेरे पास मिल रहे हैं, क्लियर है। तो अब मेरी क्लास के अंदर कितने मेथड बने हुए हैं, 11 मेथड्स, और वो आधा से रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास, क्लियर है इतनी चीज, यानी रीयूजिबिलिटी। और ऑब्जेक्ट क्लास में कौन से मेथड होंगे जो हर क्लास में यूज हो सकते हैं, मैंने कहा था वो कौन से मेथड मैं सुपर क्लास में रखूंगा, मैं सुपर क्लास में वो मेथड्स रखता हूं जिनकी सब क्लासेस को जरूरत पड़ती है, कहां कहां इन मेथड्स की जरूरत पड़ती है वो ऑब्जेक्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा तो मैं ऑब्जेक्ट क्लास में करा दूंगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखना, सेव करता हूं, एक होता है हमारे पास हैज ए रिलेशन, एक होता हैज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई, कौन सी, फर्स्ट, क्लियर है, मैं इसमें कहता हूं एक मेथड बनाया void fun, मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जाओ, सेव किया, मैं इसमें बनाता हूं सेकंड क्लास में, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फर्स्ट f इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, न्यू फर्स्ट बना दिया, क्लियर है। मैं कहता हूं एफ डॉट फन मेथड, एफ डॉट फन मेथड, इसमें ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, फर्स्ट क्लास का, किस क्लास में बनाया, सेकंड क्लास में। अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर बनाते हो उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, हैज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, और आप उस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो, क्लियर है, इतनी चीज समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। बट अगर मैं उस क्लास को एक्सटेंड करता हूं, एक्सटेंड्स क्या, फर्स्ट, क्लियर है, एक्सटेंड फर्स्ट, अब मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, सेकंड क्लास का, सेकंड एस इज इक्वल टू न्यू सेकंड, क्लियर, कॉल किसको कर रहा हूं, एफ डॉट एस डॉट वन मेथड को, ये कौन सा रिलेशनशिप है, इज ए रिलेशनशिप, ये कौन सा है, इज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में बना रहे हो उस टाइम आप कौन सा रिलेशनशिप परफॉर्म करते हो, हैज ए, इज ए रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, इनहेरिटेंस के केस में यूज होता है, इज ए रिलेशनशिप, क्लियर है इतनी चीज, सबको क्लियर है, ठीक है। इनहेरिटेंस हम क्यों यूज करते हैं, रीयूजिबिलिटी के लिए, कोड रीयूजिबिलिटी के लिए हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूजिंग इनहेरिटेंस फॉर रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड, कि हमें बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़े, क्लियर है। देखना ये क्या हमारे पास क्लास, और ये भी क्या हमारे पास क्लास, फर्स्ट क्लास हमारे पास, क्लियर है, समझ आ गई ये चीज, ठीक है। इस मेथड को हटा देता हूं मैं, किसको, अब हमारी क्लास में कितने मेथड आएंगे, अगर मैं लिखता हूं सेकंड एस इज इक्वल टू न्यू सेकंड, अब कितने मेथड आएंगे, 11 मेथड, 11 मेथड्स ही आएंगे ना, क्योंकि अब कौन सी क्लास एक्सटेंड कर रही है, फर्स्ट क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, फर्स्ट क्लास किसे एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास को, यानी हायरार्की क्या बनी, ऑब्जेक्ट सुपर क्लास, सब क्लास कौन सी रहेगी, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास सुपर क्लास किसकी बन गई, सेकंड क्लास की,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सुपर क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, सब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, सेकंड क्लास, सब क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी अब एस डॉट करूं तो ये मेथड कहां से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। क्लियर है? अब कहां से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, बट सुपर क्लास में मैं कौन से मेथड रखूंगा जो मेरे कॉमनली यूज होने किसमें? सब क्लास में। क्लियर है? सुपर क्लास इनहेरिटेंस सुपर क्लास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्वेश्चन क्या है? सुपर क्लास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब मेरे पास अलग अलग क्लासेज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अलग अलग क्लासेज है, एक क्लास, दो, तीन, चार। क्लियर है? ये मेरी क्लास कौन सी है? ये कौन सी क्लास है? सेकंड। ये है थर्ड। और ये कौन सी है? फोर्थ। क्लियर है? कितनी क्लासेस हैं? फोर। सपोज करो इस क्लास में भी मैं कौन सा मेथड बना रहा हूं? मेथड बना रहा हूं ऐड। इस क्लास में भी एक मेथड है, कौन सा? ऐड। क्लियर है? इस क्लास में भी एक मेथड लिख रहा हूं, कौन सा? ऐड। इस क्लास में भी मेथड लिख रहा हूं, ऐड। क्लियर है? सपोज करो एड मेथड का लॉजिक था कितना? 20 लाइंस का कोड था इसके अंदर। कितना? 20 लाइंस का। सारों में कितने लाइंस का कोड लिखना पड़ा मैंने? 20 लाइंस का इस पे लिखना पड़ा, 20 लाइंस का इस पे लिखना पड़ा, 20 लाइंस का इस पे लिखना पड़ा। हो गया ना, कोड बढ़ गया। ठीक है, मैं वो ना करके क्या करता हूं, एक सुपर क्लास बना लेता हूं, इसको हटाता हूं, सबको हटा दिया ऐड को, मैं क्या करूंगा? एक सुपर क्लास बना दूंगा, लिखूंगा क्लास टेस्ट, लिख दिया सपोज करो टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कर दिया? वाइड ऐड मेथड। क्लियर है? अब ये सारा सारी क्लासेस किसको एक्सटेंड करेगी? टेस्ट क्लास को। क्लियर है? सारी क्लासेस किसको एक्सटेंड करेगी? टेस्ट क्लास को। अब ये ऐड मेथड किसके पास आ जाएगा? सबके पास आ जाएगा। अब दोबारा दोबारा तो लिखना पड़ रहा है ना इस क्लासेस में मेरे को। क्लियर है? दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा, तो ये क्या होगी? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसी को कहेंगे ना हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, बार बार नहीं लिखना पड़ रहा हमें। तो इनहेरिटेंस किसके लिए है? मेन फीचर क्या है इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस का रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। क्लियर है ये चीज? समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? दूसरी चीज देखना, जावा में एक्सटेंड कीवर्ड क्या कहता है? एक्सटेंड कीवर्ड कहता है आप सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। सी प्लस प्लस में एक से ज्यादा यूज कर सकते थे आप, बट जावा में सिर्फ क्लास के आगे एक ही क्लास एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, एक ही क्लास आप एक्सटेंड कर सकते हो जावा में। क्लियर है? ये रूल एंड रेगुलेशन है किसके? एक्सटेंड कीवर्ड के। आप ऐसे नहीं लिख सकते ऑब्जेक्ट, दो क्लासेस एक्सटेंड नहीं कर सकते एक साथ। आप कितनी कर सकते हो? सिर्फ एक क्लास एक्सटेंड कर। क्लियर है? समझ आ गई इतनी चीज? देखना मेरे पास एक सेकेंड क्लास है, ये किसका? सब क्लास का। ठीक है, एक चीज देखना, टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, देखना। फॉर एग्जांपल एक होती है जर्नलाइज्ड क्लास। ठीक है, एक होती है एक होती है
एक होती है स्पेशलाइजेशन क्लास, एक होती है जर्नलाइज क्लास, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखना। अगर मैं कहूं वर्जन्स की बात करूं, किसकी बात करूं, वर्जन्स की बात, सपोज करो जावा में, जावा के कितने वर्जन्स हैं, 1.0, 1.2, 1.3 ऐसे वर्जन्स आ रहे हैं, अप टू कहाँ तक हो गया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.8, सॉरी 1.8 वर्जन जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 1.8, क्लियर है। जब उन्होंने जावा 1.1 निकाली तब इन्वेंट हुई जावा, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या वर्जन आया, 1.2। 1.1 को आने के लिए सपोज कर लो 5 इयर्स लगे, कितने लगे, 5 इयर्स लगे, क्लियर। 1.2 को आने के कितना टाइम लगा, एक साल लगा होगा, 1 ईयर सपोज कर लो। 1.2 को अगले साल इन्वेंट हो गई होगी, डिफरेंस कितना, 1 ईयर, ठीक है। 1.1 वर्जन इतना लेट क्यों आया, 5 साल क्यों लग गए, उस टाइम सारी की सारी चीजें डेवलप हुई, उस टाइम सारी की सारी चीजें डेवलप हुई, ठीक है। 1.2 को इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि 1.2 में, 1.2 ने किसको एक्सटेंड किया, 1.1 वर्जन को, क्लियर है। ये क्या होगी मेरे लिए, जर्नलाइज क्लास, और ये कौन सी होगी मेरे पास, स्पेशलाइजेशन क्लास। आपके पास 1.1 के पास 1.1 पे वो फीचर्स हैं, वो फैसिलिटीज हैं जो बनाई गई हैं, पर 1.2 में तो वो फैसिलिटीज भी हैं जो 1.1 में भी पड़ी हैं और 1.2 में भी बनी, ठीक है ना। आप कहते हो लेटेस्ट वर्जन यूज करना है, एंड्रॉइड में क्या है, आप कहते हो लेटेस्ट वर्जन यूज करना है, यानी इनडायरेक्टली आप सब क्लास को यूज करते हो उसकी, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन क्लास है, यानी आपको पुराने फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नवे फीचर्स भी मिलेंगे, ऐसी चल रही है, ठीक है। अगर रीयूजिबिलिटी नहीं होती तो सारे मेथड दोबारा लिखने पड़ते। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, क्लास क्या, बैंक, क्लास क्या, बैंक, कौन सा बैंक, पीएनबी, कौन सा, पीएनबी। पीएनबी की फंक्शनैलिटी क्या है, ऑनलाइन फंक्शनैलिटी क्या है, मनी ट्रांसफर कर सकते हो आप ऑनलाइन, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी मेथड ऑनलाइन मनी ट्रांसफर मेथड, इसके अंदर क्या लिखा होगा, मनी ट्रांसफर करने का लॉजिक, क्लियर है। दूसरा, आप बैलेंस चेक कर सकते हो, ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हो, ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हो, ये क्या है, फंक्शन, यानी एक मेथड, ठीक है। यानी जो फंक्शनैलिटी होंगी, जो फीचर्स होंगे, वही फंक्शंस होंगे, ऐसी काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर कल पीएनबी अपनी साइट को चेंजेस करता है तो नवे फंक्शंस और ऐड होंगे, क्लियर है। बट वो क्या करेंगे, पूरी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्लास, ठीक है, पीएनबी न्यू वर्जन, और एक्सटेंड किसको कर देगी, वो एक्सटेंड क्या, पीएनबी बैंक। अब जो नवी फंक्शनैलिटी ऐड है उसके मेथड्स कहां बनाएगी, यहां पर, पुराने मेथड्स तो आपको मिल ही रहे हैं, पुरानी फंक्शनैलिटी तो आपको मिल ही रही है, नवी फंक्शनैलिटी और मिलेगी, एक्सटेंड कीवर्ड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, क्लियर है। जब कंपनी में देखना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या, क्लाइंट है, क्लियर है, ये मेरे पास क्या,
सपोज करो ये क्या है पीएनबी बैंक और ये क्या है टीसीएस, क्या टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी ने पीएनबी ने टीसीएस को अपना प्रोजेक्ट किया, वो कहता है मेरे को एक वेबसाइट चाहिए जिसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी हो, फंक्शनैलिटी क्या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होना चाहिए, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए मेरी वेबसाइट पे, ऑनलाइन चेक बैलेंस क्लाइंट्स को मिलना चाहिए, डिपॉजिट भी ऑनलाइन हो, विड्रॉल ऑनलाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है विड्रॉल रहने दो, मनी ट्रांसफर कर दो, डिपॉजिट कर सकते हो, ये फंक्शनैलिटी चाहिए किसको पीएनबी बैंक को, उसने प्रोजेक्ट इसको हैंड ओवर कर दिया टीसीएस को, फ्रेश प्रोजेक्ट है क्लियर, तो वो क्या करेंगे एक क्लास बनाएंगे इसमें तीनों मेथड डाल देंगे, कौन कौन से मेथड बनाएंगे और इनका लॉजिक्स लिखना शुरू कर देंगे, एक क्लास बनाएंगे बैंक और बैंक पीएनबी, उसमें तीनों मेथड्स की बॉडी देना शुरू कर देंगे और फंक्शनैलिटी यूज कर देंगे, यानी मेथड्स हैं तीन मेथड्स बनेंगे इसमें रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, सपोज करो ये मेथड ये प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिया किसको पीएनबी को, पीएनबी ने हैप्पीली एक साल चलाया, ये एक साल क्या चलाया ये प्रोजेक्ट चलाया क्लियर है, एक साल बाद उसने कहा कि अब मेरे को नवी फंक्शनैलिटी जानी चाहिए, वो किसके पास जाएगा दोबारा टीसीएस के पास, वो टीसीएस वाले कहते हैं आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए नवी, वो कहता है मेरे को एक नवी फंक्शनैलिटी चाहिए कि होम लोन आप दे सको क्लियर, वो क्या करेंगे जो पुराना प्रोजेक्ट है, पुरानी क्लास क्या थी क्लास पीएनबी उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस थे मनी ट्रांसफर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर क्लियर है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर और ऑनलाइन चेक बैलेंस क्लियर है और कौन सा था डिपॉजिट ये मेथड्स थे क्लियर है अब क्या करेंगे वो एक क्लास बनाएंगे क्लास क्या होम लोन क्लियर है एक्सटेंड किसको कर देंगे एक्सटेंस क्या पीएनबी अब क्या होगा एक नवा मेथड बनाएंगे क्या वाइट होम लोन एक नवा मेथड बना दिया क्लियर है एक नवा मेथड क्या बनाया वाइड होम लोन ये वाले मेथड्स उसके पास आएंगे ही आएंगे कौन सी ये वाले और अपने एक्स्ट्रा मेथड्स भी आएंगे क्लियर है वो पूरे कोड को नहीं लाएंगे एक्सटेंड लगा के नवी फंक्शनैलिटी बनाएंगे एक सब क्लास बना देंगे उसकी और एक्सटेंड क्या कर देंगे सुपर क्लास को रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस अगर रीयूजिबिलिटी ना होती होम लोन बनाते पीएनबी के सारे मेथड्स दोबारा बनाने पड़ते किस पे होम लोन में चाहे कॉपी पेस्ट करते मगर बनाने तो पड़ते ना कोड तो लिखना पड़ता बट यहां पे वो कोड नहीं लिख रहा मैं कहां पर होम लोन में बिकॉज ऑफ रीयूजिबिलिटी ये चीजें मेरे को कहां मिल जाती हैं सब क्लास में फायदा है कि नहीं है इनहेरिटेंस का ठीक है इससे क्या क्या बचता है हमारे पास देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट्स में इनहेरिटेंस से क्या बचता है एक तो मनी कैसे बचता है मैं बताता हूं टाइम मनी टाइम ठीक है कैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट उठाया एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट उठाया सपोज कर लो बैंक का प्रोजेक्ट उठाया किसका बैंक का प्रोजेक्ट उठाया अगर वो रीयूजिबिलिटी नहीं लगाती इनहेरिटेंस नहीं लगानी पड़ती लगाता यानी वो कंपनी अगर ये चीजें नहीं लगाती तो हर बारी कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा हर क्लास के लिए
अगर कोड बार बार लिखना पड़ रहा है तो कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टाइम भी लगेगा ज्यादा, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो डेवलपर्स ज्यादा चाहिए, डेवलपर्स ज्यादा चाहिए यानी मतलब रिसोर्सिस ज्यादा चाहिए कंपनी को, जितने ज्यादा रिसोर्सिस होंगे मोर रिसोर्सिस मोर कॉस्ट, क्लियर है, मोर रिसोर्सिस मोर कॉस्ट, सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगर रीयूजिबिलिटी करता है और इनहेरिटेंस लगाता है तो कोड कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, कम रहेगी, डेवलपर्स को ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, डेवलपर्स कम लगेंगे, अगर रिसोर्स कम लगेंगे, रिसोर्स क्या, रिसोर्स किसे कह रहा हूं मैं, डेवलपर्स को, अगर रिसोर्स कम लगेंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगी, लो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्लियर है। फास्ट डेवलपमेंट चांसेस रहेंगे बढ़ने के, डेवलप भी एप्लीकेशन भी फास्ट होगी डेवलप, ठीक है। और क्या चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट यूज चाहिए आजकल कंपनीज को, इसीलिए तो आईडीज वगैरह सारा कुछ यूज कर रही है वो, क्लियर है। तो इनहेरिटेंस का रोल वहां पे भी रहता है, इसलिए सारे के सारे कंपनीज में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बनते हैं 101% है इनहेरिटेंस लगेगी लगेगी, 101% है, किसी भी प्रोजेक्ट में बिना इनहेरिटेंस के प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, ना बनाते हैं वो, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, कॉस्ट ज्यादा लगती है, अगर रिसोर्सेज ज्यादा लगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्लियर है। तो इनहेरिटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोजेक्ट्स में, क्लियर है ये चीजें, देखना। बात आती है फॉर एग्जांपल, जब मैं सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो फर्स्ट क्लास क्या कर रही है, सुपर क्लास है किसकी, सेकंड क्लास की, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, सेकंड क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, सेकंड क्लास का, नो डाउट है हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सेकंड क्लास का, यानी कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होता है, उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सेकंड, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, सेकंड कंस्ट्रक्टर बन गया, पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या लिख रहा हूं, सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लियर है, ये किसका बन रहा है, सेकंड क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लियर है, मैं सेव करता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, किसका, ये सुपर क्लास का, फर्स्ट मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेव करता हूं मैं, रन करता हूं प्रोग्राम, देखना ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने, सेकंड क्लास का, सेव करता हूं, रन, किसके कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, फर्स्ट क्लास का भी और सेकंड क्लास का भी। इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, अगर आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फर्स्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी फर्स्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्स, क्लियर है, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, इस केस में ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, इंटरनली ऑब्जेक्ट बनेगा, किस क्लास का, फर्स्ट क्लास का, यानी इनडायरेक्टली अगर हम किसी क्लास के आगे एक्सटेंड कीवर्ड लगते हैं और उसकी सुपर क्लास बनाते हैं तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये सीधी सीधी डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्टर जब कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यानी इंटरनली फर्स्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनता है, क्लियर है चीजें, क्लियर है, समझ आ गई ये चीजें। फॉर एग्जांपल देखना, मेरे पास एक वेरिएबल है int a is equal to 30, ठीक है, वेरिएबल मैंने सेव किया, मैं कहता हूँ
int b is equal to 20. क्लियर है? सेव करता हूँ. मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन एस डॉट ए, यानी वेरिएबल्स भी आपकी सब क्लास में आ जाते हैं. मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ. आ रही है वैल्यू? क्लियर है? फर्स्ट क्लास में क्या है, 30 है ना एक ही वैल्यू. क्लियर है? यानी इनहेरिटेंस के टाइम पे आपके मेथड्स और वेरिएबल्स सब कुछ क्लास के अंदर आता है. ये नहीं सिर्फ मेथड जी मेथड आते हैं, वेरिएबल्स भी आ जाते हैं. क्लियर है? कई लोग कहते हैं मेथड्स ही आते हैं, वेरिएबल्स भी आ जाते हैं. क्लियर है? सपोज करो मेरे इस क्लास में क्या है, int is equal to 40. ए क्लास में क्या है, int a is equal to 30. सेकेंड में क्या है, a is equal to 40. मैंने कहा void fun method. ये क्या लिखा, void fun method. क्लियर है? इसके अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, int a is equal to कितना, 50. क्लियर है? मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन ए, क्या वैल्यू आएगी यहां पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट, कहता हूं एस डॉट फन मेथड, सेव करता हूं. आउटपुट क्या आएगी, 50. क्यों? क्योंकि प्रियोड ये किस किस कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, लोकल वेरिएबल पे, लोकल वेरिएबल. क्लियर है? इतनी चीज समझ आ गई. सेव करता हूं, रन करता हूं, आउटपुट देखना 50. क्लियर है? अगर मेरे को ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है, कौन सी इंस्टांस वेरिएबल की, तो क्या लिखूंगा, डिस डॉट ए. कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन डिस डॉट ए. क्लियर है? अब वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 40. अब कितनी करेगा, 40. सेव करता हूं और रन करता हूं, वैल्यू कितनी आ रही है, 40. बट इन केस में अगर मेरे को फर्स्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उस केस में मैं सुपर कीवर्ड का यूज करता हूं. क्या करता हूं, सुपर. अगर आपको क्लास से बाहर जाके सुपर क्लास में जाना है और वहां से कुछ लेके आना है, तो आपके पास कौन सा कीवर्ड है, सुपर, सुपर डॉट ए. क्लियर है? इस केस में वैल्यू कितनी आएगी, 30. सेव और रन. क्लियर? यानी सुपर क्लास की चीजें बुलाने के लिए हमारे पास क्या है, सुपर कीवर्ड. इंस्टांस वेरिएबल्स को बुलाने के लिए हमारे पास क्या है, दिस कीवर्ड. लोकल वेरिएबल्स तो हमारे पास आ ही जाते हैं. क्लियर है? इतनी चीजें समझ आ गई, इतनी चीजें. सुपर कीवर्ड आप कहां लगा सकते हो, अगर आपको सुपर क्लास है कुछ बुलाना. क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखना, मेरे पास एक मेथड है, क्या, वाइड फू मेथड. वाइड फू मेथड मैं कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन फर्स्ट क्लास फू मेथड. क्लियर? सेव करता हूं मैं, ठीक है. सेकंड क्लास में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, फन मेथड. मैं जाता हूं इस मेथड को कॉल होने के बाद, मैं किस मेथड को कॉल करूं, फू मेथड को. मैं क्या लिखूंगा, सुपर डॉट फू. मेरा कंट्रोल कहां चले जाएगा, सुपर क्लास में. सेव करता हूं और रन करता हूं. क्लियर है? तो सुपर कीवर्ड किस लिए यूज होता है, सुपर क्लास के चीजों को कॉल करने के लिए. या सुपर क्लास में अगर आपको जाना है, तो आपके पास क्या दिया गया है, सुपर कीवर्ड. और इंस्टांस वेरिएबल्स के लिए दिस कीवर्ड. दिस इज यूज्ड, दिस कीवर्ड इज यूज्ड फॉर करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट. करंट ऑब्जेक्ट किसका बना है, सेकेंड क्लास का. सुपर इज यूज्ड, सुपर कीवर्ड
is used for super class. Clear? What do you mean by this? This is used for current object. Super is used for super class object. Clear? समझ आ गई चीज आ गई. What do you mean by this keyword or super keyword? Where we use super, where we use this keyword. Clear है इतनी चीजें. What do you mean by inheritance? Inheritance is mainly used for reusability of code. Clear है इतनी चीजें. समझ आ गई चीजें. ठीक है, देखना.